तो बच्चों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है फ्रिक्शन का, और फ्रिक्शन के प्रॉब्लम में दे रखा हुआ है कि एक ऑटोमोबाइल है, वो हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है, और जैसे कि आपको ये पता लगा है कि अगर म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ देर बाद वो बॉडी रुकेगी। थोड़ा सा केयरफुल रहना, और ये मान के चलना कि अगर उसकी वेलोसिटी यू है तो कुछ देर बाद डिस्टेंस चलने के बाद वो रेस्ट पर आ जाए। ये प्रूफ करना है कि ये जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर है। यहां पे यू क्या है, वो उसकी स्पीड है, और म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहां पे जो हम लोग मेथड को यूज करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी मेथड। तो एनर्जी मेथड से हम लोग ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे और प्रूफ करेंगे अपने रिजल्ट को। बड़ी सिंपल सी बात यहां पर यह है कि हमने अपनी स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए एक फिगर बनाया। फिगर में बॉडी दे रखी है, बॉडी की स्पीड यू दे रखी, मास नहीं लिया है, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि डिस्टेंस डी चलने के बाद ये बॉडी रेस्ट पर आ जाती है। तो शुरुआत में इसकी स्पीड यू है, बाद में इसकी स्पीड जीरो हो जाती है। लिखा वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले उसकी स्पीड थी, यानी उसकी पहले काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई, जीरो हो गई, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। अब वर्क डन निकालना, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इंटू डिस्टेंस एफ इंटू डी होता है। और फ्रिक्शन की जगह हम क्या लिखेंगे, म्यू एम जी, क्योंकि यहां पर जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर टू द गिवन सर्फेस है, वो एम जी के बराबर है। तो म्यू टाइम्स एम जी इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ एम जी स्क्वायर, दो तरफ से हम काट देंगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ये जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन टॉपिक के ऊपर कुछ हमारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं, और ये हमारे वो क्वेश्चंस हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस देखते हैं, और देखते हैं कि हमारे पास यही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है यानी, या फिर कुछ और भी इस्तेमाल हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट इफ इट इज मूविंग एट द स्पीड। सारी चीजें हैं, वही चीज फॉर्मूला यूज करना है, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सूटकेस जनरली ड्रॉप ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट का मतलब समझते हो गए, एयरपोर्ट में पाया जाता है, व्यू की वैल्यू इतनी है, कितनी देर तक चलेगा ताकि वो रेस्ट पर आ जाए। फिर अगला क्वेश्चन आपका कुछ ये है, अ बॉडी इज मूविंग ऑन आइस विद अ वेलोसिटी इट कम्स टू एट रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग इतना। तो सारी वैल्यूज जो है वो आप अगर आप देखिए तो ऐसे पांच क्वेश्चन हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए, इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए कि आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं। तो बहुत ही एनसीईआरटी का सिंप्लीफाइड टॉपिक है, उसके ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चल।